हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LG K41S के बारे में। और इससे पहले हमने बात करी थी LG Velvet के बारे में, जिसका प्राइस 30,000 के आसपास था, लेकिन ये फोन उससे काफी ज्यादा सस्ता है। तो गाइस चलो इस फोन के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में हम आज जानेंगे इस फोन के स्पेसिफिकेशंस, इसका प्राइस, इसकी रिलीज डेट और इसके फोन के कुछ खास फीचर्स। तो मेरा नाम है प्रयास और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बियॉन्ड स्क्रीन। तो गाइस हर बार की तरह सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिजाइन के बारे में। तो गाइस इस फोन की डिजाइन काफी ज्यादा सिंपल होगा और रियलमी के फोन जैसा इसका डिजाइन कुछ कुछ सिमिलर होगा। साथ ही बैक पैनल पे आपको कैमरा एक वर्टिकल स्ट्रिप में मिलेगा और फ्रंट में आपको इसमें मिलेगी वाटर ड्रॉप नोच। और गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये फोन काफी चीप है तो उसकी वजह से इसमें आपको बेजल्स भी बड़ी बड़ी मिल जाती है, लेकिन फिर भी इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशो ठीक ठाक आपको मिलेगा। तो रही बात इसके वेट की, इस फोन का वेट होगा 191 ग्राम्स का। साथ ही आपको इसकी थिकनेस मिल जाती है 8.3 mm की। तो करते हैं बात इसकी डिस्प्ले की, तो इसमें आपको मिलती है 6.55 इंचेस की IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन। साथ ही आपको मिल जाता है 16 megapixel की डेप्थ। और गाइस इस स्क्रीन का स्क्रीन टू बॉडी रेशो होगा 81.7%। साथ ही आपको रिजोल्यूशन मिल जाता है 720x1600 pixels का और पिक्सल डेंसिटी आपको मिल जाती है 268 PPI की। साथ ही आपको इसमें मिल जाती है स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास की प्रोटेक्शन। तो रही बात इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड मिल जाएगा जो कि होगा एंड्रॉइड 10। और साथ ही गाइस इसमें आपको प्रोसेसर मिल जाता है मीडियाटेक P22 वाला, जो कि एक मिड रेंज प्रोसेसर है, मतलब मीडियम परफॉर्मेंस आपको इस फोन में मिल जाएगी। साथ ही में इसमें आपको GPU मिलता है PowerVR GE8320 वाला। तो अब बात आती है इस फोन की मेमोरी की, तो इसमें आपको इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है 32GB की और इसकी रैम मिल जाती है आपको 3GB की। करते हैं बात इसके मेन कैमरे की, तो इसमें आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, मतलब 4 कैमरे आपको बैक साइड में मिल जाते हैं, जो कि होंगे 30 megapixel का वाइड एंगल कैमरा, 5 megapixel का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 megapixel का माइक्रो कैमरा एंड 2 megapixel का डेप्थ सेंसिंग कैमरा। गाइस इस प्राइस रेंज में आपको 4 कैमरे मिलने काफी अच्छी बात है। मोस्टली जो फोन होते हैं इस प्राइस रेंज में उसमें आपको या तो डुअल कैमरा मिलता है या ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, बट इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है और ये इस फोन का एक प्लस पॉइंट है। तो ये बात इसके सेल्फी कैमरे की, इसमें आपको मिलता है 8 megapixel का सेल्फी कैमरा जो कि प्लेस्ड होगा एक वाटर ड्रॉप नोच में। तो ये बात इसके लास्ट मेन स्पेसिफिकेशंस की, जो कि है इसका बैटरी। इस फोन में आपको मिलती है 4000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी। बात करते हैं इसकी कुछ कॉमन स्पेसिफिकेशंस की, जैसे कि इसमें आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिल जाता है और फिंगरप्रिंट आपको मिल जाता है इसमें रियर माउंटेड। और गाइस इस फोन के कलर्स होंगे टाइटेनियम, ब्लैक एंड व्हाइट। तो बात करते हैं इसके प्राइस एंड रिलीज की, तो गाइस इस फोन का इंडिया में प्राइस होगा अप्रोक्स 10,000 Indian rupees। और इस फोन का ऑफिशियल टीजर LG ने रिलीज कर दिया है, इसका मतलब है ये फोन आपको जल्दी इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल जाएगा। और गाइस जो इसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट है वो है 4 June, यानी कि आने वाली एक वीक के टाइम पीरियड में आपको ये फोन इंडियन मार्केट में मिल सकता है। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए गैजेट के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।